इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस का काफिला रोक दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने यह काफिला रोका है। पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने काफिला रोक दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का ये काफिला रोक दिया है। देखिए, दरअसल हो ये रहा है कि बग्गा को बिना किसी के इतला के, यानी कि लोकल पुलिस को इतला की जाती है, उसके बिना इतला किए, बिना नोटिस के ही गिरफ्तार करके जबरन ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से चेन रिएक्शन होता है। यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, उसके बाद वो थाने पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस रोक देती है काफिले को, जो कुरुक्षेत्र से गुजरते हुए आगे मोहाली की ओर जा रही थी। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, लेकिन देखिए, आप जो बात कह रहे हैं अमित, कि लगातार ये खबर कितनी तेजी से डेवलप हो रही है, इससे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसका तो सीधा अर्थ ये हुआ कि पंजाब पुलिस ने पहले दिल्ली पुलिस को इतला नहीं की, उनसे इजाजत नहीं ली, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और उससे पहले ही एक्शन कर लिया। और फिर पंजाब पुलिस के SHO साहब जाकर अगर जनकपुरी थाने पहुंच गए, गिरफ्तारी कर लेने के बाद कौन सी इतला देने के लिए पहुंचे? कुमार सुनो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस पर और डिटेल दें, पंजाब पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया है दिल्ली पुलिस ने? देखिए, पंजाब पुलिस के 3 जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एक वकील भी यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो तेजनपाल सिंह बग्गा हैं, उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा, उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। फिलहाल यानी कि ये साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को कोई इतला नहीं दी गई थी। हालांकि किन धाराओं में, किन सेक्शन में FIR दर्ज की है, अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब पुलिस के खिलाफ जो है वो दिल्ली पुलिस के जनकपुरी थाने में FIR। कुमार सोनू, इसमें तो साफ किडनैपिंग है ना? आला अधिकारी इस वक्त मौजूद है और ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 3 लोग, ये तो साफ तौर पे जो आरोप लगा रहे थे, किडनैपिंग ही बोला जाएगा ना, कि बिना आप पुलिस को इतला किए, स्थानीय पुलिस को इतला किए, बिना नोटिस के आप किसी व्यक्ति को जबरन उठाकर ले जा रहे हैं, उसको इतना अधिकार भी नहीं दे रहे, तो किडनैपिंग होती है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अपहरण की धाराओं में ही मामला बनता है, किडनैपिंग की धाराओं में ही मामला बनता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी थाने से बाहर आएंगे तो शायद उनसे बात हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब तेजनपाल सिंह बग्गा मामले में दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस जो है आमने सामने। हालांकि दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारी इस वक्त जनकपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है और ये भी, उन पर भी जो है कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन इतना जरूर है कि FIR दर्ज की गई है पंजाब पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही कि तेजनपाल सिंह बग्गा को जो है जबरन ले जाया गया, पुलिस को इंटीमेट नहीं किया गया, लोकल पुलिस को, लोकल थाने में जो है जानकारी पंजाब पुलिस ने नहीं दी। जब उसको, तेजनपाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस दिल्ली से ले गई, उसके बाद यहां पर 3 पुलिसकर्मी पहुंचे थे बताने के लिए, लेकिन यह एक कहीं ना कहीं गलत है, नियम के विरुद्ध है। हमेशा यही होता है कि जब भी पंजाब पुलिस दिल्ली आती है तो हमेशा लोकल थाने में डिटेल लिखवाई जाती है कि कौन कौन टीम आई है, कितनी गाड़ियां आई है, किस तरीके का असला उनके पास है और किस केस में किस आरोपी को पकड़ने के लिए आई है। बकायदा दिल्ली पुलिस की टीम पंजाब पुलिस का सहयोग करने के लिए उनके साथ भेजी जाती है, लेकिन इस केस में जताई जा रही थी कुमार सुनो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो आशंका सही साबित हुई। बिना किसी प्रायर नोटिस के ये गिरफ्तारी कर ली गई, जो कि लॉलेसनेस का एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। पुनीत परिंजा लगातार काफिले के साथ मूव कर रहे हैं। पुनीत, अब देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प हो गया, अब डेवलपमेंट देखिए खबर की। इधर से पंजाब पुलिस सुबह गिरफ्तार करती है, उधर पंजाब पुलिस की एक टीम को दिल्ली पुलिस अपने थाने में बैठा लेती है, पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, और इधर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का काफिला रोक लिया। बहुत बवाल बढ़ गया इस खबर पर। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस के जो SP हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र के, उनका ये कहना है कि हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें वहां से कि इस गाड़ी को रोका जाए, और ये खबर ये भी आ रही है कि शायद दिल्ली पुलिस ने वहां पर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज किया, और इसी के तहत यहाँ पर जो SP है उन्होंने, यहाँ पे एक जगह है कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, वहां पर इस पूरे काफिले को रोका गया है और पूरी पंजाब पुलिस के साथ अब बातचीत जो है वो की जा रही है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।